कब तक फ्लोरिंग प्लान, क्या प्लान? ऑलरेडी 10 दिन हमने शूट कर लिया है और शेड्यूल हमारा शूट हो गया है, जहाँ हम लॉ को दिखा रहे हैं कि लॉ में क्या कहते हैं, लड़ रहे हैं इस केस को लेकर और कुछ हो नहीं रहा है. तो ये ऑलरेडी हमने 10 डेज शूट कर लिया है दिल्ली में, और अब हम लोग मतलब बॉम्बे शूट शेड्यूल शुरू हो जाएगा. तो जो मेन है, क्या क्या थोड़ी सी चेंजेस भी हमने इसमें करी है, एक अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा हो, क्योंकि क्या होता है अब कि बाहर के जो चैनल है, जो रिपोर्टर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, दे डोंट नो कि इंडिया में कैसे काम करते हैं. सबसे बड़ी बात है कि दे डोंट नो. तो मैंने उस एंगल से बनाया है कि ये देखिए हमारे इंडिया के जर्नलिस्ट कैसे काम करते हैं. तो कहीं ना कहीं हम ये दिखाते हैं कि एक इनकी तो संडे को भी काम करते हैं, इनके लिए छुट्टी नहीं होती, उन लोगों के लिए तो छुट्टी होती है, दो दो दिन की छुट्टी होती है, ऑर्गेनाइज होते हैं, दे आर वेल पेड. यहाँ क्या होता है कुछ पता नहीं होता, कब आके फोन आ जाए, पहुँच जाओ 4 बजे. तो ये जो एक में एक प्रैक्टिकल चीज, जो एक जर्नलिस्ट दूसरे जर्नलिस्ट के साथ भी बात करता है, तो किस तरीके से बात करता है और कैसे रिएक्ट करता है और सोते सोते कैसे जाता है, फिर उसको सब वो मतलब फिर जाके उनको वो करना पड़ता है, क्या क्या हुआ स्टोरी में क्या है. तो जर्नलिस्ट का जो दिमाग है, ही इज़ लाइक अ लॉयर. मैं आपको फ्रेंकली बताऊँ, जब मैंने एक लॉयर और जर्नलिस्ट का दिमाग बिल्कुल सेम है, वो लॉजिक पे काम करता है. बट हम ये चाहते हैं कि जेडे जैसे, जेडे ने लॉजिक यूज किया लाइक अ लॉयर, बट जेडे जैसे लोग काफ़ी सारे लोग हैं जो अननोटिस्ड है. क्योंकि जेडे बिकेम पॉपुलर ओनली आफ्टर मर्डर, उससे पहले उनको कोई जानते नहीं थे कि भाई क्या है. जब तक उन्होंने बुक नहीं लिखा तो लोग इतने जानते नहीं थे. हाँ, ये पता था कमांडर है और शक्ल नहीं दिखी थी. तो उनके जैसे लोग काफ़ी लोग हैं, वो तो इतने सारे जेडे छोड़ के गए हैं. मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत लोग हैं, बट हमें इकट्ठे ये देखना है कि हमारे सिस्टम में कोई कुछ करेगा नहीं, जो करना है हमने खुद करना है. तो मैं चाहती हूँ जब ये मूवी रिलीज हो, काफ़ी सारे पेंशन स्कीम, कंपनसेशन, टाई ऑफ वगैरह, काफ़ी सारे नए जर्नलिस्ट, अगर आप मास कम्युनिकेशन कॉलेजेस में जाते हैं तो उनको भी इंकरेज मिले कि हाँ मेरा करियर सेफ है. आज के डेट में मास कम्युनिकेशन कॉलेज और जर्नलिज्म के जो इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, उन लोगों को खुद ही नहीं पता कि मैंने क्या करना है. उनके पेरेंट्स इतने सहमे हुए हैं, तो उनको भी इंकरेज मिलेगा कि हाँ वी आर इन अ सेफर हैंड. तो कहीं ना कहीं इस मूवी के थ्रू हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें एड्रेस करेंगे. तो उससे क्या होगा कि हमारी जो क्या कहते हैं, जो रियल फियर्स हैं, वो सामने आएंगे एंड वी विल बी नोन एज अ हीरो ऑफ द सोसाइटी. जर्नलिज्म के साथ ये है कि एक चीज़ फायदे में रहता है कि वो लोग किसी भी जगह लेवल तक जाके दिखा सकते हैं. पर क्या है कि कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइज्ड वे से काम नहीं कर पाते, बिकॉज उनके पास कुछ ऐसे सीनियर्स होते हैं, या उनके पास एक ऑर्गेनाइज अप्रोच नहीं होता है, या किसी से लिमिटेशन में रह जाते हैं. क्योंकि अगर मैं आप किसी से भी पूछो कि 10 साल के बाद आप क्या होंगे, तो किसी के पास आंसर नहीं होगा. तो ये आंसर होने चाहिए. तो एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच से जर्नलिज्म अगर आगे जाए और इस मूवी के थ्रू अगर हम कुछ कर भी पाए, तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि वी हैव डन समथिंग. फिर उसका एक पार्ट टू हम लोग बना रहे हैं. पार्ट टू में वही चीज़ थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिखाया गया है. पार्ट टू उस पर तो जेल रिटर्न इज पार्ट टू और मिड डे इज जय. तो जय रिटर्न जय भी है, वो जय नहीं हो सकता, जर्नलिस्ट भी हो सकता है. तो एक पार्ट वन और पार्ट टू ऑलरेडी कुछ पोर्शन शॉर्ट हो गए हैं इसके.